बता दूं, मैं जब से पाकिस्तान यूट्यूबर्स का मुझे सारा मॉडस ऑपरेंडी समझ आया है, ये सब ISPR के लिए काम करते हैं। $25 मिलियन आता पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के माध्यम से, इसीलिए ISPR का प्रोपगंडा चलाते हैं, हर कोई ISPR से जुड़ा है। तो पहले तो मैंने कहा यार एक पर्सपेक्टिव रखा जाए, मतलब ना लोगों तक पहुंचे। जब मुझे ये इनकी कहानी समझ आई तो मैंने कहा यार मैं इनके प्रोपोगंडा में नहीं फंसूंगा, आई विल नॉट हेल्प देम टू मेक मनी। अब हाथ अब बात आपके हाथ में, हमारे इंडिया चैनल बहुत है, उनको देखिए। आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव पाकिस्तान से लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जॉर्ज बुश क्या बोलेगा, शी जिनपिंग, पुतिन क्या बोलेगा, इन तीन लोगों का ओपिनियन मैटर करता है। जब जहां तक भारत की बात आती है, ये भिखारी नंगा फंगा पाकिस्तान, जितना पाकिस्तान की औकात है उससे ज्यादा मुकेश अंबानी जी की औकात है। इसकी बात सुनो, उसका यूट्यूबर, मतलब समझ रहे हो ना क्या, मतलब आप खुद ही अपना अपमान करो उनकी बात सुन के, मैं क्या बोलूं जी। आपको लगता है पाकिस्तान हिंदुस्तान को जवाब नहीं पड़ता? मिलियन से ज्यादा सना अमजद की वीडियोस पे व्यूज आते हैं, कौन है, सारा इंडियन व्यूअरशिप है। सुहेब चौधरी की वीडियोस पे सारी व्यूअरशिप इंडिया की है। अनम मुजम्मिल निमरा, पता नहीं देयर आर हेल लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्यों हर दिन हर दूसरे दिन इंडियन कंटेंट पे काम करना शुरू करते हैं, बिकॉज इंडियन व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड, क्योंकि उनके लिए ही आते हैं इन चैनल्स पे। सो यू कांट डिनाय दिस थिंग, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो या पाकिस्तानी आवाम हो, सुनना एक होता है, मैं विश सारी बातों का एक ही जवाब है। एक कोट है, ब्रिटिश कोट है, इफ यू डोंट लाइक मी बट यू स्टिल फॉलो मी देन विच यू आर अ फैन। समझे? आप सबसे पहले तो इनकी ये वीडियो, इनकी ये ऑडियो सुनिए। आपको समझ आ जाएगी, आप बता देना थोड़ा सा पहले कि ये चीज़ हो रही है, ये भारत दहशतगर्द का ये अब वो है। इस पे बोल। हाँ, इस पे बोल।